हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय जूही चैनल। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड गुड मॉर्निंग। और सुबह का भी 8:30 बज रहे हैं और मैं नहा के आ गई हूँ ऊपर। मैं जा रही हूँ कबूतर को दाना डालने के लिए। और हाँ, पीछे आप लोग देख रहे हैं तो खाट पड़ी है उधर, तो मैं ऊपर आई हूँ इसलिए वो खाट है, ऊपर ही पड़ी रहती है वो। और मैं चल रही कबूतर को दाना डालने के लिए, तो दिखाती हूँ मैं। ये देखो, मैं नहा के आती हूँ फिर मैं कबूतर को दाना डालती हूँ। तो इसमें है गेहूँ, बाजरा और मक्का है, तो मैं इसको डालने के लिए जाऊँगी कबूतर को। और आप देख, चलो मैं दाना डाल लेती हूँ और आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो गाइस, ये देखो मेरे दाना, और मैंने दाना ये डाल दिए हैं ये। और दाने डालते के साथ ही आप देखोगे अभी कबूतर आ गए थे दो, तो मैंने सोचा आप लोग को भी मैं दिखा दूं। सो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं जा रही हूँ आज आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि सिंपल वे में कैसे बनाते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 आलू ले लिए थे। आप अपने हिसाब से आप आलू ले सकते हो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे 4 आलू ले लिए थे बड़े साइज़ के, और मैं इसको कुछ इस तरीके से कट कर लूँगी, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के काट लूँगी। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई भी चढ़ा दी है गर्म होने के लिए। और ये साइड में देख रहे होंगे तो साइड में मैंने यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे। और उसके बाद मैं कुछ इस तरीके से आलू काट लूँगी, फिर इसके बाद मैं इसको धो लूँगी। तो जब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, तो इसको मैं सब्जी पहले धो लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी थी। तो मैं इसमें अब मैं ऑयल डालूँगी, सरसों का तेल। इसमें मैंने ऑलरेडी पहले से ही थोड़ी सी ऑयल डाल रखी थी और मुझे थोड़ी कम लगी, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं प्याज लिए थे मैंने कुछ बड़े बड़े साइज़ के, 2 प्याज थे मेरे, और टमाटर भी थे मेरे, 4-5 टमाटर थे मेरे। और पहले मैं यहाँ पे मिर्च काट रही हूँ कुछ इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में, ये फिर ये जाके चॉपर में छोटे टुकड़ों में हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2 प्याज लिए थे बड़े साइज़ के। इसके बाद मैं मोटे मोटे टुकड़े में से प्याज को भी कट कर लूँगी, फिर उसके बाद ये चॉपर में अपने साइज़ में ही कट जाएंगे। तो मैंने देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये काट ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर चॉपर में इसको चॉप कर लूँगी अच्छे तरीके से। तब तक मेरे ऑयल गर्म भी हो रहे हैं, तो देख सकते हो आप मैंने यहाँ पे चॉपर में चॉप कर लिए। उसके बाद में तेल जब गर्म हो गया तो मैंने उसमें थोड़ी सी जीरा डाल दी है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे हींग डालूँगी, और मैं हींग तो डेली ही डालती हूँ सब्ज़ी में, मुझे हींग ज़्यादा पसंद है सब्ज़ी में। उसके बाद मैं यहाँ पे जब ये पक गए हैं फिर मैं यहाँ पे प्याज डालूँगी इसमें, प्याज डाल दे रही हूँ मैं इसमें। और उसके बाद प्याज को मैं तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और फिर उसके बाद मैं, चलो जब तक मैं टमाटर भी इसको चॉप कर लूँगी। तो मैं कुछ इस तरीके से चला रही हूँ, और मेरा दूध भी गर्म हो रहा था, उबल रहा था, तो मैं थोड़ी कम कर दिया है, मैंने स्लो कर दिया है गैस को। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 5 टमाटर लिए हुए थे, ना ज़्यादा बड़े थे ना ज़्यादा छोटे थे, मैंने मीडियम साइज़ के लिए हुए थे। इसमें आलू टमाटर की सब्ज़ी में आप टमाटर ज़्यादा ऐड करना, और फिर ये काफ़ी अच्छी लगती हैं। उसके बाद देख सकते हो मैंने सारे टमाटर काट लिए थे, उसके बाद मैं इसको भी चॉप कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देख सकते हो आप मेरा ये चॉप हो चुका है। तो जब तक मेरी प्याज ये गोल्डन ब्राउन हो रहे तब तक चल रही मैं सब्ज़ी धो लूँगी। तो सब्ज़ी तो सिर्फ आलू ही है, इसको मैं आलू को अच्छी तरीके से धो लूँगी 2-3 पानी से धो के। उसके बाद फिर मैं जब तक ये ब्राउन हो जाएंगे मेरे, तो देख सकते हो मेरे ब्राउन हो चुके थे प्याज, आपको दिख नहीं रहा होगा। उसके बाद फिर मैं इसको कुछ इस तरीके से चलाऊँगी, और लगे हाथ में इसमें थोड़ी देर चलाने के बाद, उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिया हुआ है। टमाटर को भी हमें काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें पका लेना है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लगे हाथ सारे मसाला डाल दूँगी। इस मसाले में मैंने लिया था हल्दी, नमक और गरम मसाला, थोड़ी धनिया मसाला था, और यहाँ पे लाल मिर्च लिए थे थोड़ी मैंने, और सारे मसालों के मैंने डाल दिए। उसके बाद मैं अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी काफ़ी देर तक। इसको भूनने के बाद इसमें देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से मैं चला रही हूँ, और मैं थोड़ी सी इसमें पहले पानी डाल के, इसमें मैंने जो टमाटर चॉप किए हुए थे इसमें उसी में मैंने थोड़ी पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मैं चला लूँगी। और चला के मैं इसे ढक के काफ़ी देर ज़्यादा थे तक इसको मसालों का मैं भूंजना है। इसमें मैंने मसाला कुछ ज़्यादा तो नहीं ऐड किया हुआ है, कम ऐड किया हुआ है मैंने मसाला। और इसे मैं ढक के काफ़ी अच्छी तरीके से पका भी लेना। तब तक मैं चल रही हूँ वहाँ पे बर्तन धो लूँगी सारे।
लगे हाथ बर्तन भी धो लूँगी। जब तक इधर मेरे सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं यहाँ पे बर्तन भी धो लेती हूँ। और देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। तो मैं बर्तन धोने चल रही हूँ, तब तक मेरी ये सब्ज़ी भी बन रही है। देख सकते मेरा दूध भी गर्म हो चुका था और मैं बर्तन धो रही हूँ। मैंने स्लो गैस कर दिया है, उसके बाद चलो मैं बर्तन धो के इसके बाद मैं सब्ज़ी को भी देख लूँगी एक बार। बीच बीच में हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपक जाएंगी सब्ज़ी। सो गाइस, यहाँ पे मेरे बर्तन धुल चुके हैं और मैं अब ये कपड़े से ये प्लेटफॉर्म को भी साफ़ कर लूँगी। मेरी आदत है कि मैं खाना बनाती जाती हूँ इसको साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये गंदा अच्छा नहीं लगता। फिर मैं अगर मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ ना, मुझे काम करने में भी बहुत मज़ा आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी कपड़े से, उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी देखूँगी। तो चलो, मैं ये कपड़े को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बिछा दिया, तो अब मैं अपनी सब्ज़ी देख रही हूँ। मैं मसाला भून रही थी, तो देख सकते हो कि मेरी यह सब्ज़ी भून चुकी हैं। तो अब देखो, ये देखो कुछ इस तरीके से हो गई थी मेरी सब्ज़ी। अब इसको मैं काफ़ी देर तक मैंने भूंजा हुआ था, उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी अपने अकॉर्डिंग। अब अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग डाल सकते हो इसमें पानी, मुझे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए था। तो ये देखो मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, अब मैं रोटी बनाऊँगी। तो चलो मैं रोटी बना लेती हूँ, और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी आपको ये सब्ज़ी, सब्ज़ी की रेसिपी। और चलो मैं रोटी बना रही हूँ, अब तक आप लोग देख लो। आप देख सकते हो मेरी रोटी बन चुकी है, मैंने ज़्यादा रोटी नहीं बनाई हुई है। और देख सकते हो आप, मेरी रोटी बन चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़ा है जो मैं इस पे रोटी बनाती हूँ, इसको मैंने झाड़ लिया अच्छे तरीके से। और आप देख सकते हो मेरी रोटी बन गई है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, देख मेरा खाना बन चुका है, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है किचन में।
और पसीना देख रहे हो मेरे फेस से, पता चल रहा होगा आपको कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। दिल्ली में तो गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है, बता नहीं सकते हो। ये देखो कितने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं मुझे। तो चलो खाना बन चुका है मेरा और अब मैं चल रही हूँ खाना खाने के लिए। तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या खा रही हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिए सब्जी, चावल, रोटी और सलाद थे कुछ। और ये चावल वाली थाली मेरी है और रोटी वाली थाली मम्मी की है। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और मैं आ गई हूँ ऊपर अपने रूम में। तो मैंने दिन में खाना वगैरह खा पी के उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया था और मेरा ब्लॉग भी पूरा नहीं हो पाया था। तो मैं अभी रात के बज रहे 9:30 और मैं ऊपर आई थी तो मैं कपड़े तय लगा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को भी दिखा दूं। और मैंने दिन में कपड़े तय नहीं लगा पाई थी और उसके टाइम नहीं मिला था मुझे। तो मैं अभी लगा रही हूँ, मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं अपने कपड़े तय लगा रही हूँ। तो ये मेरी सूट है और इसको मैं तय लगा के, और ये रही मेरी अलमारी जिसमें मैं अपने कपड़े रखती हूँ सिर्फ। और उसके बाद ये सलवार में मैं समेट लेती हूँ। और फिर ये देखोगे चुन्नी मेरी जो मैंने सूट डाल रखा है, पहन रखा है, मतलब वही सूट की मेरी चुन्नी है ये। पर मैं कोई सा भी ले लेती जो मुझे सामने मिलता है। तो इसको कल मैंने ले लिया था। तो चलो मैंने अपने कपड़े समेट लिए और मैं अपने हबी के कपड़े समेट रही हूँ। तो उनकी अलमारी अलग है और मेरी अलग है, तो मैं उनकी अलमारी में डाल देती हूँ। सो गाइस मैंने कपड़े तय लगा लिए हैं और उसके बाद अब मैं चल रही हूँ, ब्लॉग का एंड करूँगी। और उससे पहले मैं जा रही हूँ ये फेस वॉश कर लूँगी मैं, क्योंकि बिकॉज देख सकते हो आप मेरी फेस काफ़ी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है। उसके बाद थोड़ी सी मैं स्किन केयर कर लूँगी, नाइट स्किन केयर। और अब मैं ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है तो मैं ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर से लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँच सके और वीडियो को आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकूँ। तो चलो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।